सब्सक्राइब कीजिए इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए चैनल की लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो इससे पहले कुछ वीडियोस में मैंने आपको इसरो के कई बड़े मिशंस के बारे में बताया है, साथ ही इसरो का कंपैरिजन भी कई बड़ी स्पेस एजेंसीज के साथ में किया है। और इस वीडियो में मैं आपको इसरो के अगले महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आदित्य L1 के बारे में बताऊंगा। ये प्रोजेक्ट क्या है, आखिर ये सूर्य को कैसे स्टडी करेगा और इससे हमें आखिरकार क्या फायदे मिलेंगे, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो को देखते रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर की है, जिसकी वजह से लाइट को भी सूरज से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट से भी ज्यादा का समय लगता है। और उसी सूर्य को स्टडी करने के लिए आदित्य L1 भारत का पहला मिशन होगा, जिसकी अभी अनुमानित लॉन्चिंग डेट अप्रैल 2020 की है। इसके नाम के बारे में शायद मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य का एक नाम आदित्य भी है, इसीलिए इस मिशन का नाम भी आदित्य L1 रखा गया है। लेकिन इसमें L1 असल में बिल्कुल ही अलग चीज है और इसे लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। ये हमारी पृथ्वी और सूरज के बीच में असल में वो कुछ बिंदु हैं, जहां पर अगर किसी चीज को रख दें तो उस चीज को ना ही सूर्य का गुरुत्वाकर्षण अपनी तरफ खींच पाएगा और ना ही पृथ्वी उसे अपने ऑर्बिट में खींच पाएगी, मतलब वो उसी जगह पर स्टेबल रहेगा। हमारी आदित्य सैटेलाइट को भी उसी पॉइंट में स्थापित किया जाएगा, जिससे वो स्टेबल रहकर सूर्य को स्टडी करता रहेगा और किसी गुरुत्वाकर्षण बल का उस पर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच ऐसे तकरीबन 4 से 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स मौजूद हैं, जिसमें नंबर 2 और 4 सबसे ज्यादा स्टेबल हैं। लेकिन आदित्य L1 को इसमें लॉन्च नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन पॉइंट्स पर सक्सेसफुली उस सैटेलाइट को स्थापित करना काफी कॉम्प्लेक्स होगा। और लैग्रेंजियन पॉइंट 3 क्योंकि पृथ्वी के पीछे है, इसलिए इसे भी आदित्य को स्थापित करने के लिए इस्तेमाल में नहीं लिया जा सकता। इसी लैग्रेंजियन पॉइंट 3 में आने वाले भविष्य में जेम्स वेब टेलीस्कोप को स्थापित किया जाएगा, जो कि अभी मौजूदा हबल टेलीस्कोप की जगह लेगा और उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। आदित्य L1 इसरो कई बड़े इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर बना रहा है, जिसकी अभी अनुमानित मिशन की अवधि तकरीबन 5 साल की होगी और इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV के जरिए लॉन्च किया जाएगा। इसमें कुल 7 पेलोड्स होंगे, जो कि सूर्य के अलग अलग चीजों को स्टडी करेंगे, जिसमें कोरोनल हीटिंग, सोलर विंड्स और स्टॉर्म्स, कोरोनल मैग्नीटोमेट्री, UV सोलर रेडिएशन वगैरह शामिल है। खासकर आदित्य L1 से इसरो को सूर्य के क्रोमोस्फीयर और कोरोना को स्टडी करने में मदद मिलेगी। कोरोना सूर्य की सबसे बाहरी लेयर को कहा जाता है, जो कि बेहद ही ज्यादा गर्म होती है, जबकि सूर्य का भीतरी हिस्सा इतना गर्म नहीं होता, और ऐसा क्यों है ये अभी भी एक मिस्ट्री ही है। अभी तक हमें कोरोना को स्टडी करने का मौका सिर्फ तभी मिल पाता था जब सूर्य ग्रहण होता था। साथ ही आदित्य L1 से ये भी पता लग जाएगा कि सूर्य से निकलने वाली सोलर रेडिएशंस का पृथ्वी के ऊपरी वातावरण और ग्लोबल क्लाइमेट पर आखिर क्या असर पड़ता है, और सूर्य के चुंबकीय स्टॉर्म्स आखिर कैसे हमारे स्पेस और ग्राउंड बेस्ड तकनीकों पर असर डालते हैं। इसमें एक पेलोड मैग्नीटोमीटर भी होगा, जो कि उस लैग्रेंजियन पॉइंट L1 में मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले परिवर्तन को मेजर और स्टडी करके उसका डेटा इसरो को भेजेगा। और इस सबसे बढ़कर ये मिशन सोलर मैक्सिमा, जिसे आमतौर पर सौर मैक्सिमा भी कहते हैं, उसे स्टडी करने में मदद करेगा। ये हर 11 सालों में सूर्य पर घटित होता है, जब सूर्य के सतह पर सबसे ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिलती है, जो कि हमारे कई सवालों का जवाब दे सकता है। वैसे ऐसा नहीं है कि इसरो वो पहली एजेंसी है जो कि कुछ इस तरीके का मिशन कर रही है। इससे पहले भी नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान जैसे देश इस तरह के मिशंस कर चुके हैं। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने साथ मिलकर कुछ सालों पहले
सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च किया था, जिसका काम सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना था। लेकिन चुंबकीय क्षेत्रों को स्टडी करने वाला डिवाइस लॉन्च के साथ ही खराब हो गया था, जिसकी वजह से ये मिशन पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया। जिसके बाद फिर से एक मिशन के जरिए एडवांस कॉम्पोजिशन एक्सप्लोरर को भी लॉन्च किया गया था, लेकिन इसमें भी उतने महत्वपूर्ण डिवाइसेस नहीं थे जो कि वो सब स्टडी कर पाते जो कि भारत का आदित्य L1 करने वाला है। तो इसलिए भारत का ये मिशन अपने आप में काफी अनूठा बन जाता है। इस मिशन की कुल लागत तकरीबन 350 करोड़ से कुछ ज्यादा के आसपास की होगी, जो कि शायद किसी हॉलीवुड मूवी के बजट से तो कम ही होगा। तो फिलहाल इस मिशन में अभी भी कुछ समय बाकी है, हो सकता है कुछ नए अपडेट्स भी तब तक इस मिशन में जुड़ जाएं। तो कोशिश करूंगा कि आपको उन आने वाले अपडेट से भी अपडेट रखूं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगी। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।